दोस्तों वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। यहाँ आपको मिलेंगे टॉप 3 अपडेट्स, न्यूज ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। इसके अलावा आपको इस चैनल पर जीरो मिशन से जुड़े अपडेट भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहली जो अपडेट है, हम सब जानते हैं कि बात कर रहे हैं टेस्ला की। टेस्ला के जो सीईओ मिस्टर इलोन मस्क, उन्होंने लास्ट मंथ का ये कंफर्म किया था कि वो इंटरेस्टेड है इंडिया में बिल्कुल अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, स्पेशल इलेक्ट्रिकल कार्स। और उसमें उनका कि 2019 लास्ट नहीं तो 2020 में कंफर्म है वो कोई ना कोई मॉडल बिल्कुल जरूर इंडिया में मार्केट में उतारेंगे। अब बात करते हैं उसका जो सबसे बड़ा जो बेस मॉडल है मॉडल 3, उसका जो शॉर्ट रेंज है वो भी कम से कम $35,000 यानी कि 24-25 लाख का है। अगर वो इंडिया में बनता है तो बिल्कुल, अगर उसका प्राइस 20 लाख के आसपास आता तो कहीं ना कहीं इसको अफोर्डेबल कहा जा सकता है इंडियन पीपल्स के लिए। अब मेन इसमें अपडेट यह है कि इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड भी बिल्कुल काफी समय से तैयारी कर रहा था ई मोबिलिटी सेगमेंट में उतरने के लिए और नए ज्वाइंट वेंचर्स, नए पार्टनर्स की तलाश कर रहा था। तो बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया है लोन की, कि अगर टेस्ला इंटरेस्टेड हो तो वो उनके साथ मिलकर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। ऑलरेडी उनके पास काफी ज्यादा इंफ्रा है, तो जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा अगर जो फाइनल होती है बहुत जल्दी से मार्केट में प्रोडक्ट को उतारा देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंफ्रा सेटअप है उस टाइप का। तो दोस्तों मैं भी यही मानता हूं कि अगर ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू इंडियन कंपनी के साथ मिलकर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया में, और जो अगर इंडिया में प्रोडक्ट बनता तो सबसे बड़ी बात है कि ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट रहेगा, जो सबसे बड़ी बेनिफिट रहता है। और वैसे भी अगर हम बात करें फेम 2 की, अगर टेस्ला को किसी भी तरह का इंसेंटिव या सब्सिडी का बेनिफिट लेना तो उनको 50% लोकलाइजेशन करनी होगी, तभी उस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे, तभी वो एक प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो पाएगा। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या इससे जुड़ा जो भी नया अपडेट आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले ये था आज का पहला अपडेट। दूसरा और बड़ा अपडेट आया है दिल्ली मेट्रो से। दिल्ली मेट्रो ने ऑलरेडी कई स्टेशन पर शेयरिंग बाइसाइकल्स प्लेटफॉर्म को सेटअप किया है, बट उनकी प्लानिंग है इसको अभी सभी स्टेशन पर इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की प्लानिंग, जो कि अच्छी है। रोड कंजेशन, ट्रैफिक पोल्यूशन फ्री, इस तरह का जो ये प्रमोशन की जा रही है बाइसाइकिल शेयरिंग की, ये बहुत अच्छा है। बट इसके साथ साथ नॉट ओनली शेयरिंग बाइसाइकिल, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स को भी कुछ स्टेशन पर ऐड किए जाने की प्लानिंग है। इसके लिए जो नए प्रोवाइडर है इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइडर के साथ टाई अप की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया पर किलोमीटर के साथ आपके हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा उसके लिए। और पहले स्टार्टिंग की जाएगी जो कैंपस या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास स्टेशन है वहां से पहले स्टार्ट किया जाएगा, जो यंग जनरेशन है वो इस पर ज्यादा इस चीज को लेकर चले। और दूसरा बात है कि इसके लिए ऑलरेडी जितने भी स्टेशन है वहां पर ये सेटअप किया जाएगा दिल्ली मेट्रो की जगह वहां, बट जो स्पेस है वो एमसी की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी बात है, इस तरह की प्रमोशन स्पेशली दिल्ली मेट्रो जो कि पूरा ऑल ओवर एनसीआर में एक्सपेंशन, अगर वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को और ज्यादा प्रमोट करता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काफी सक्सेस रहेगा। इसमें पूरी उम्मीद है कि ये बेनिफिट रहेगा सबके लिए, कॉमन पीपल के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, पॉल्यूशन के लिए भी, ये बहुत अच्छी एक इसके लिए थम्स अप है दिल्ली मेट्रो को। दोस्तों ये था आज का सेकंड अपडेट। यहाँ तीसरा और लास्ट डेट अपडेट निकल कर टोक्यो से। टोक्यो की यूनिवर्सिटी के जो वहां पे जो एक जो रिसर्चर है उन्होंने एक नया मटेरियल ईजाद किया है जिसका नाम है ऑक्सीजन रिडॉक्स लेयर्ड ऑक्साइड। इसमें इसका बेनिफिट क्या है, लिथियम आयन बैटरीज में ये किस तरह से हेल्प करने वाला है। अभी तक क्या होता है कि जब बार बार जब इनको हम यूज करते हैं उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है तो जो रिपीटेड प्रोसेस है इसमें क्या है कि जिसमें जो इनकी लेयर्स होती हैं वो उनकी जो वो वीक हो जाती हैं जब तक ये बार बार रिचार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। तो ये मटेरियल क्या है, ये उस जो वीकनेस है उस चीज को खत्म करता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो ओवरऑल बैटरी की लाइफ है वो बढ़ने वाली है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात है साथ में जो कैपेसिटी है जो एनर्जी स्टोर करने की उसमें भी तकरीबन 15% के आसपास इसमें इंक्रीज होता है। तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल अगर ये इसको और ज्यादा आगे इस पर रिसर्च की जाती है तो वाकई ये और ज्यादा उसमें लिथियम आयन बैटरीज में इस टेक्नोलॉजी को, इस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता तो बिल्कुल ओवरऑल और ज्यादा लाइफ और कैपेसिटी बढ़ने वाली है। वैसे भी वर्ल्ड वाइड और काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, वर्ल्ड वाइड नए नए टेक्नोलॉजीज या नए और उसको इम्प्रूव करने पर स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज पर काफी काम चल रहा है। और कभी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन,
सॉलिड स्टेट बैटरीज, क्योंकि अभी तक जो लिथियम बैटरीज है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें करंट फ्लो कर ये आयंस फ्लो करते हैं वो लिक्विडफाइड है, और लिक्विडफाइड मींस ये फ्लेमेबल रहते हैं, आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अब सॉलिड स्टेट बैटरीज भी बनाई जा रही है ताकि किसी तरह के ये बिल्कुल उसको बिल्कुल 100% सेफ बनाया जा सके। लेकिन स्टिल आने वाले 4-5 साल तक तो लिथियम आयन जो भी जो आज की करंट टेक्नोलॉजी है उसी का ही दबदबा रहने वाला है, बट उसके बाद आने वाले उसके बाद 4-5 साल बाद मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जो नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है कोई ना कोई नए नए सेटअप नई टेक्नोलॉजीज सामने निकल कर आएगी, उस पर काम होगा, मास स्केल पर उनको बनाया जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री है कोई भी देश है कोई भी कम्युनिटी है अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगी तो उसमें नुकसान लॉन्ग टर्म में उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, बट अगर मल्टीपल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो तो इसमें सबका बेनिफिट रहता है, क्योंकि ऊपर से जो दिक्कत आ रही है क्योंकि हम सब जानते हैं लिथियम आयन एक लिमिटेड एक रिसोर्स है, तो ऐसे में सिर्फ उसी पर हम पूरे वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स हैं उनको लेकर चलेंगे, उनको एनर्जी की बात करेंगे तो ये सही नहीं है, हमें नए नए प्रोडक्ट पर स्पेशली जैसे सोडियम आयन इस तरह की टेक्नोलॉजी पर जरूर एक्सेप्ट करना होगा, इस पर काम तो चल ही रहा है। तो बाकी दोस्तों इनसे जुड़े जो भी नए अपडेट आते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। आज की वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।